हर हर महादेव, जय बाबा वैजनाथ। तो आज मैं फिर से आ चुका हूँ रात में और आप सभी भक्तों को नए नए अपडेट लेके। और फिलहाल अभी मैं हूँ फिलहाल टंकेश्वर। तो आप सभी भक्त जान ही रहे टंकेश्वर हनुमान मंदिर, जो बजरंगबली के मंदिर के मंदिर बने थे उन्हीं के आसपास में मैं हूँ। और फिलहाल आप सभी को रात्रि का समय 8 बज रहा है और हम आप सभी भक्तों को यहाँ की अपडेट दिखाने आ चुका हूँ। तो देख सक रहे आखिर कांवरिया पथ रात्रि में भी बहुत ही अधिक जनसंख्या में चल रहे हैं और बहुत ही बिल्कुल ही अच्छे तरीके से। तो देख सक रहे बिल्कुल ही अच्छे नज़ारे में आप सभी भक्तों को पूरे रास्ते में लाइट की व्यवस्था मिल जाते हैं और बीच बीच में कहीं बिजली जाने पे ही प्रॉब्लम होते हैं, बाकी बात सारे जगह पे आप सभी भक्तों को लाइट की भी व्यवस्था मिल जाते हैं। और बहुत ही अधिक दुकान वाले भी बहुत सारा एक्टिव देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पे सेवा वगैरह की बात करूँ तो सेवा भी आप सभी भक्तों को बहुत ही बिल्कुल अच्छे तरीके से मिल जाते हैं। और फिलहाल मैं आगे बढ़ के आप सभी भक्तों को दिखाते हैं। तो आखिर में बढ़ते आप सभी भक्तों को दिखा रहे हैं तो यहाँ की भी अपडेट बहुत ही अच्छी देखने को मिल रहा है। और मैं अभी फिलहाल चल रहा हूँ हनुमान बजरंगबली के मंदिर के पास, जहाँ पे आप सभी भक्तों को पहले भी दिखाया था और फिर वहाँ पे अभी मैं चलते आप सभी भक्तों को लेके चल रहा हूँ। तो देख सक रहे आखिर बहुत ही रात्रि में भी कांवरिया पथ पे कितना अधिक भीड़ देखने को मिल रहा है। भाई साहब यहाँ पे भी आप सभी भक्तों को सुल्तानगंज से कंटिन्यू यात्रा रुकता ही नहीं है। 24 घंटा बोले तो सावन में यात्रा रुकता ही नहीं है। रात्रि में भी देखिए किस प्रकार की कांवरिया भक्ति यात्रा देखने को मिल रहे हैं भाई साहब। और यहाँ पे कुछ कांवरिया भक्त दुकान में भी रुकते हैं, दुकान वाले से भी बहुत ही अधिक जम के सेवा लेते हैं। तो देख सक रहे हैं दुकान वाले के थ्रू भी यहाँ पे लाइट वगैरह थोड़ा बहुत मिल जाते हैं। और भी कहीं कहीं पे बीच बीच में यदि लाइट ना मिलता है तो कांवरिया भक्त फ़ोन से भी जला के चले जाते हैं। तो देख सकते हैं आप लोगों को मैं दिखाता हूँ आखिर कांवरिया पथ पे बीच बीच में कहाँ कहाँ पे लाइट नहीं मिल रहा है। तो भाई साहब इधर देखिए, थोड़ा सा यहाँ पे आगे में भी टंकेश्वर हनुमान मंदिर के पास जो ब्रिज है वहाँ पे भी आप सभी भाई भक्तों को अंधेरा देखने को मिलेगा। तो देख सक रहे आप लोग और अंधेरा देखने को मिल रहा है। और फिलहाल यहाँ से फिर थोड़ा सा ही आगे जाने के बाद फिर आप सभी भक्तों को लाइट भी देखने को मिलेगा, लाइट भी। तो ये सब थोड़ा सा बहुत ही अंधकार देखने को मिल रहा है, देख सक रहे ना आप लोगों को इसीलिए दिखा रहे। नहीं तो ये वाला कट भी लगा सकते थे हम, बट नहीं लगाएं क्योंकि आप सभी भक्तों को जानकारी दे दे। तो देखिए यहाँ पे टंकेश्वर में थोड़ा सा लाइट की प्रॉब्लम हो जाती है, उसके आगे जाने के बाद देखिए फिर आगे भी यहाँ पे लाइट वगैरह भी आप सभी भक्तों को देखने को मिल जाता है, लाइट वगैरह और सेवा वगैरह भी जम के मिलता है। सिर्फ एक लाइट की प्रॉब्लम हो जाती है, सेवाएँ तो पूरा जम के मिल रहा है बट एक लाइट की ही प्रॉब्लम हो जाता है यहाँ पर। और फिलहाल हम चल रहे हैं और यहाँ पे देख सक रहे हैं आखिर किस प्रकार की कांवरिया भक्तों की सेवा भी चालू है। और भी हम चल रहे हैं फिलहाल हनुमान मंदिर तक ही, आप आज का वीडियो हनुमान मंदिर तक का दिखाऊंगा और फिर भी आगे लेके जाऊंगा दूसरे एपिसोड में। तो आखिर देख सक रहे हैं इधर भी भीड़ बहुत अधिक तेज़ी से चल रहे हैं। और भक्तों की भीड़ की बात करूँ तो बहुत ही ज़ोरों शोरों से आप सभी भक्तों को देखने को मिल रहा होगा। देख सक रहे भाई साहब बहुत ही अधिक जनसंख्या में कांवर लेके कांवर यात्रा देख सक रहे हैं आप लोग, किस प्रकार के देखने को मिल रहे हैं। तो आज का वीडियो यहाँ तक ही, फिर मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। अभी मैं फिलहाल आ चुका हूँ हनुमान मंदिर, तो आप लोग देखे ही हैं, पहले भी आप लोगों को दिखाया था, आज मैं बताया था कि आपसे भक्तों को हनुमान मंदिर टंकेश्वर का हनुमान मंदिर तक ही अपडेट दिखाऊंगा। फिर अगले वीडियो में बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए हर हर महादेव, जय बाबा वैजनाथ, कांवरिया पथ टंकेश्वर से।